एक बहुत ही अच्छी खबर, हम जितने भी एक्टर्स हैं मीडिया रोड में और जितने भी टेक्नीशियन हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी लोग, सबका एक ग्रुप बना है। ग्रुप इन द सेंस क्रिकेट ग्रुप। अब बहुत जल्द हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो उसी के लिए अभी हम जा रहे हैं टफ बुक करने। मैं जा रहा हूँ टफ बुक करने। प्लीज यार जाओ यार, पर मेरे को शांत क्यों नहीं रहने दे रहे हो? मैं पूछ रही तुमसे, तीन बार तो पूछा है, झूठ मत बोले यार। मैं पूछ रही तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जाए जाने मुझे भी दो दिन पहले ही मालूम चला इसका मतलब। TURF दिखाओ। तो मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, दस बार स्पेलिंग बता रहा हूँ। TURF। अरे बस भाई साहब। मुझे भाई साहब बोल रही है। A piece of short thick grass and the layer of soil. समझ गई? यही बुक करने जा रहा हूँ। मजाक मजाक में मेरा अंगूठा पूरा मरोड़ दिए। खैर कोई नहीं, अभी हम जा रहे हैं अपने प्रोड्यूसर सर से मिलने के लिए। ऑफिस चलो। चलिए, आप जनता को बता दिया है कि हम क्रिकेट खेलने वाले हैं। बहुत जल्द, स्टे ट्यून्ड। अबे बंद क्यों किया है दादा? खोल बेटा, खेल सकते हैं। हाँ और क्या, यही तो मुंबई में इतनी ही जगह मिलती हैं, और क्या। जोर जोर से मारो, नेट पे जाके लड़ेगा। लाइट वगैरह भी लगी हुई है, लाइट खेलेंगे ना, मजा आ जाएगा फिर तो। उसका तो 800 रुपये पर आवर है भाई, ओवर आर्म ही खेलेंगे ना। हाँ, तो ये वाला नहीं मजा आता है तो। नहीं नहीं, गांव में हम लोग बच्चे जब थे तब खेलते थे। MMA की भी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। आइए, हाँ पूछते हैं। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, तब तो ये तीन ग्राउंड मिला करके हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड हो जाएगा। और जो ऊपर का जो नेट है वो वैसे ही रहेगा क्या? अगर मान लो छक्का मारा जोर से और ऊपर अटक गया, वो वैसे ही रहेगा? एकदम खुले में खेलना और इस तरीके से ग्राउंड में पैसे देके खेलना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। बचपन में जो हम लोग खेलते थे कि जो मारेगा वही लेकर के आएगा, नाली में गया तो आप निकालोगे, नियम कानून बदलते रहते हैं जगह जगह के हिसाब से। पपीता बड़ी जोर की लगी है यहाँ पे, लेकिन ये सब खराब भी हो रहा है। ये है चार्म ऑफ मीरा रोड, वर्धमान फैंटेसी, जहाँ पर 7 वंडर्स हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है मीरा रोड का। शाम के टाइम पे आप अपने बच्चों को ले आइए यहाँ पर, बहुत सारी एक्टिविटी है, मतलब मस्त आपका 2-3 घंटा निकल जाएगा। जब आप पैदल चल रहे थे ना पिच पे, मुझे लगा कि आप डिस्टेंस माप रहे हैं। गाइज आप लोग देख के बताइए कि जो ओवर आर्म टफ, ओवर आर्म्स के लिए क्या ये टफ सफिशियंट है? देखिए अंडर आर्म खेल रहे हैं ये तो, लेकिन हम ओवर आर्म खेलेंगे, जगह है ना। इसका ग्राउंड वहां से अच्छा है, वर्धमान से ग्राउंड अच्छा है। मुझे बहुत पसंद है गाय, बछिया, देखो गाय यहाँ है। आप लोग कितने बजे तक रहते हैं? डेढ़ बजे तक। गौ माता 1:30 बजे तक रहती हैं। अब घर में जो भी रोटी वोटी सब्जी छिलका, मटर का छिलका, जो भी कुछ है, 1:30 बजे तक आप यहाँ ला करके दे सकते हैं। क्यों फ़ोन कर रही थी मुझे? तो गाइस टर्फ की बुकिंग हो चुकी है, कल शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का हमें स्लॉट मिला है। और कल क्राइम पेट्रोल के सारे एक्टर इकट्ठे होंगे, हमारे टेक्नीशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी लोग इकट्ठे होंगे। तो जितने लोगों ने इस चैनल को क्राइम पेट्रोल के नाम से फॉलो किया था ना, कल का वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत सारे एक्टर मिलेंगे, आपके कलेजों को भी ठंडक मिल जाएगी। और बाकी जितने लोगों ने फैमिली व्लॉग के लिए या फिर मेरी पर्सनल लाइफ को देखने के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब किया है, तो आप लोग कंटिन्यू रखो। बस एक काम कर दो यार, लाइक का बटन प्लीज़ दबा दो, अगर आप लोग चाहते हो कि जल्दी से मेरे 1 लाख हो सब्सक्राइबर और मेरा सिल्वर बटन यहाँ पर लगे, तो अभी लाइक कर दो यार, ज़्यादा इसमें डिले मत करो।
प्लीज अभी लाइक कर दो, अभी 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 मैं वेट कर रहा हूँ, जाकर के लाइक कर दो। हाँ चलो अब बताता हूँ कि अभी मैं निकल रहा हूँ कल्याण, मेरा कुछ पैसा जो मैंने बहुत पहले एक वेब सीरीज़ की थी तो वो पैसा लेना है मुझे, जो कि चेक के फॉर्म में देंगे, तो आज मैं खुद टाइम निकाल करके जा रहा हूँ, बिकॉज पैसे मुझे लेने हैं ना तो टाइम भी मुझे निकालना पड़ेगा। जिनको देने होते हैं ना वो, अरे सर कल आता हूँ, परसों, अगले महीने कर दूँगा, 10 दिन में कर दूँगा, और अभी मैं कल्याण जा रहा हूँ ये बात सुरभि को पता नहीं है। कल्याण अभी तुम यहाँ से आ रहे हो तो अचानक क्यों जा रहे हो कल्याण? मेरा जो पेमेंट बहुत पहले हमने मिल रहा है, मतलब क्या जैसे बट रहा है क्या है? मिल रहा है, जाके ले, जाके लेना पड़ेगा। मुझे है क्या कि आओगे तो आज दे ही दूंगा। हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरा पूरे बात सुनो, मेरा अंगूठा ऑलरेडी तुम जो है मसक दी हो, पूरा आइटम काला हो गया। मेरा तोड़े थे? तुम्हारा तोड़ा नहीं था, मैं सिर्फ चिकोटी काटा था पेट पे। सुनो मैं जा रहा हूँ कल्याण, और बाय द वे टेस्ट बुक हो चुका है, कान में का बनाइए। अरे लिफ्ट आई जो है मुझे बोलो ना, कान में का दिखाने के चक्कर में तुम लिफ्ट, तो मैं जब तक बोलूंगी तब तक रुकने जाएगी। मैं नहीं चलेगा, जब मैं पहन रही थी मैं पूछी तब तो तुमने कुछ नहीं बोला, और अब तुम तुम्हारा पसंद ही वही है, अभी तुम ये लेकर के आओ, ये अच्छा लगता है, पर ये जो लेकर के आई हो ये मेरे हाथों में पहना की चूड़ियां। काट ले काट ले काट ले काट, ये कौन तू? अब नहीं मना कर रही, मत बनाओ मेरा वीडियो, मत बनाओ, गपा गप गपा गप पिए जा रही है। ला 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 ला, चीयर्स 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 चीयर्स। तो बढ़िया धूप लग रही है, अरे बाप रे खड़ी दोपहरिया है, एकदम चिलचिलाती धूप, मार दे धाम निपुर जाएगी यही, एकदम से चिलगोजर लग रही हो। तुम भी चिलगोजर ही लगते हो, सब रंग बिरंगा, लाल पीला हरा नीला काला, हम लोग का देखो बस एक टी शर्ट डाला हो गया, देखो चिलगोजर कोई मेकअप कुछ नहीं, ऊपर रिंग इससे ऊपर येलो, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। देखो ये गिरा दी टोपी, आज मैं निर्मा से धोया हूँ इसको। तो अरे यार लेग्स मारा हूँ, चढ़ा नहीं जा रहा है सीढ़ी। इसलिए जिम करते हैं क्या लोग कि मैं चिल्ला रोते रहे दिन भर? कभी लेग्स मारो उसके बाद समझ में आएगा। मारी हूँ बस, खाली फालतू में जिम को दोष दे रही हो। मुझे भी दर्द होता था तब मेरी दर्द नहीं समझते थे। एक दिन गई थी खाली फोटो खिंचवाने के लिए। अरे यार अब इतना सीढ़ी और चढ़ना है, लेग्स मारा हूँ। अरे चुप मारो चुप मारो। आइए हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से टिकट निकाल सकते हैं, बस आपके पास बाय यूजिंग पेटीएम एंड गूगल एनी स्कैनर यूजिंग वाया दादर बाय बाय टाटा। चलो बाय बाय टाटा। मेरी गाड़ी चर्च गेट अभी 2 बजे आएगी, सुरभि तो जा रही है नाला सपारा, बस थोड़ा सा लाइट आ जाए ऐसा रहेगा तो और गंदा लग रहा है, सूखेगा ये, जैसा सूखेगा ना हाँ वैसे ही फिर ऐसा ही कलर हो जाए। करके देखो, एक बार सक्सेस हो गया ना तो समझो फिर यही कराते रहे। क्या बात है क्या बात है, वुडलैंड के जूते में पॉलिश लगाया जा रहा है। अरे भाई गाड़ी रुक क्यों नहीं रही, यहाँ भी धंधा ढूंढ लिया, बिना बिना चमड़े के जूते में भी पॉलिश मार दी एकदम। क्या बात है भाई, एकदम तुम बढ़िया बना दिए, थैंक यू। अभी जस्ट पहुंचा कल्याण स्टेशन, यहाँ से कितने लोग गाड़ी पकड़ते हैं गांव के लिए, आज मालूम पड़ रहा है कि कल्याण कितनी दूर है मीरा रोड से, बट ये जंक्शन है इसीलिए बहुत बड़ा स्टेशन है ये। वहाँ पर रत्ती भर भी शांत नहीं है। अरे भाई गांव में टमटम बंद है, यहाँ टमटम चालू है। कितना भाड़ा है इसका, कहाँ कहाँ तक जाते हो? 1 किलोमीटर का 20 रुपया। अरे ऐसे कितनी गाड़ियाँ हैं इधर, 2-3 गाड़ियाँ ना। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी स्टेशन के बाहर टांगा, इसकी सवारी तो याद रहेगी हमेशा। यूपी के गांव में जिन जिन लोगों ने अपना टांगा बंद कर दिया ना भाई, देख लो महाराष्ट्र जैसे शहर में भी टांगा चल रहा है,
और आप लोग एक घोड़ी का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, टांगा बंद कर करके सब लोगों ने ऑटो खरीद लिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप कुछ टाइम के बाद आप भी ऑटो खरीद लोगे? नहीं ना, कंटिन्यू करोगे? कितने साल से चला रहे हैं आप ये? 45 साल ना, बस देखते देखते और 45 साल निकल जाएंगे। क्या खिलाते क्या है इसको? मतलब इसके लिए तो कमाई माई हो जाती है ना खाने पीने भर का। तो साइनिंग अमाउंट मिल चुकी है अगले प्रोजेक्ट की। सबको यही लगेगा अगले प्रोजेक्ट की साइनिंग अमाउंट, लेकिन ये पिछले प्रोजेक्ट का पेंडिंग अमाउंट है। बहुत ही बढ़िया मीटिंग रही और पेमेंट भी हो गया। शाम के 6 बज गए, 8 बजे तक पहुंचूंगा मैं मीरा रोड। और ये शहर को देखो आप।